डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट बैठक में बताया कि दीपावली के परिणाम स्वरूप प्रदेश के सभी अधिकारियों कर्मचारियों का वेतन आरंभ 28 अक्टूबर को कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा के अवसर पर शासकीय तथा अनुदान प्राप्त गौशालाओं में कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। उन्होंने सभी मंत्रियों को अपने अपने गृह जिलों की गौशालाओं में आयोजित कार्यक्रमों में भाग लेने के निर्देश दिए। इन कार्यक्रमों में गौ वंश की सेवा में बेहतर कार्य करने वालों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। साथ ही दुग्ध उत्पादन की उन्नत तकनीकों और विकास व जन कल्याण के कार्यक्रमों व योजनाओं की जानकारी जन सामान्य को प्रदान की जाएगी। माह अक्टूबर का वेतन 28 अक्टूबर को विक्रम होगा, जैसे कि दीपावली में उनका उनको सुविधा रहे। सभी निगम मंडलों में भी 28 अक्टूबर को वेतन वितरण किया जाएगा। गोवर्धन पूजा, जैसा कि डॉक्टर मोहन यादव जी की नेतृत्व में मध्य प्रदेश की सरकार ने सभी जो हमारे धर्म और ये पर्व और त्यौहार हैं उसमें सरकार भी सहभागी होकर और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेके लोगों के उत्साह के साथ उसमें शामिल हो रही है। तो चाहे वो रक्षाबंधन का पर्व रहा हो, चाहे वो शस्त्र पूजन का रहा हो, उसी प्रकार से गोवर्धन पूजा जो दिवाली के दूसरे दिन होती है, तो ये निर्देश हुआ है कि सभी जनप्रतिनिधि, मंत्री, सांसद, विधायक अपने जिलों के गौशाला जो शासन ने बना के तैयार की है वहाँ पर जाकर गौवर्धन पूजा में शामिल हों।